हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट एक्शन में आजकल काफी हलचल है और कॉर्पोरेट एक्शन के रूप में आज हम देख सकते हैं कि साइंट लिमिटेड का एक जबरदस्त न्यूज है और वो न्यूज है साइंट लिमिटेड से रिलेटेड एनुअल जनरल मीटिंग और डिविडेंड को लेकर के। साइंट लिमिटेड ने 14 रुपए पर शेयर का एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये जो डिविडेंड की एक्स डेट है वो 23 मई है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है वो डिविडेंड की एक्स डेट इसने डिक्लेयर की हुई है 23 मई। 14 रुपए पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड है और ये जो आपका जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी की, साइंट लिमिटेड की, क्या फंडामेंटल्स हैं और ये कंपनी कैसी है और क्या हमें केवल डिविडेंड के आधार पर ही किसी में इन्वेस्ट रहना चाहिए या इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। उसके पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है। फ्रेंड्स, साइंट लिमिटेड पर बात करते हैं। साइंट लिमिटेड जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशन स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग में, एनालिटिक्स में, नेटवर्क में, डिजाइन टेक्नोलॉजी में और जियोस्पेशियल में आपको ये सर्विस देते हुए दिखाई देती है। ये कंपनी एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 19 मई को 775 पे इसकी क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 8,555 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है और करेंट प्राइस 775, बुक वैल्यू 283 और आरओई 17.2% और आरओसीई 20%। स्टॉक पीई पे ये अट्रैक्टिव रूप पे आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, केवल 16 के पीई पर दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 3% है, फेस वैल्यू 5 और आप देख सकते हैं कि हाई लो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट को देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट में 2020 में जो कोविड था उसके आप देख सकते हैं कि कारण यहाँ पर ये स्टॉक ने काफी निचला स्तर छुआ था और हाल ही में इसने जो है कि करीब 1100 के ऊपर की क्लोजिंग लगाई थी और उसके बाद से अब ये इस स्तर पे आया हुआ है। तो अभी ऑल टाइम हाई जस्ट इसने देखा था। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की। जो पीयर कंपैरिजन है उसमें आप इनका पीयर कंपैरिजन में टाटा एलेक्सी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 51,000 करोड़ रुपए के आसपास है और यहाँ पे ये मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8वें नंबर पे आपको दिखाई देते हैं 8,550 करोड़ के आसपास। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। अगर आप इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें तो जनवरी 9 के हिसाब से आप प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 143, 160, 150, फिर आपका घट के 93 होता है, फिर 99, 158, फिर 164 और इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ से दिसंबर 2020 से ये बढ़ना जो शुरू हुआ और ये आपको दिखाई देता है कि 212 तक ये आ गया। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट की आप बात करते हैं तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। यहाँ 90 से बढ़ते बढ़ते आपको दिखाई देता है 154 रुपए। ईपीएस भी आपका अच्छा खासा 13.98 रुपए तक आ गया जो कि 19 में 8.23 रुपए तक था। इसका मतलब है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छा कर रही है, कि बिजनेस बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में अगर आप देखें सेल्स पे और ये सेल आपको दिखाई देता है पूरा का पूरा एक साल का, मार्च 2011 से लेकर के 2022 तक का ये सेल आपको दिखाई दे रहा है। तो आप नेट प्रॉफिट पर सीधे अगर आप जंप करते हैं तो नेट और सेल पे यहाँ देखिए ये सेल है 1198 करोड़ रुपए से, ये ग्रो करते करते 1553, 1873, 2206 करोड़ और इस तरह 3000 करोड़ का मार्क इन्होंने 2016 में क्रॉस किया। फिर उसके बाद ये 3900 करोड़ मार्च 18 में, फिर 4600 करोड़ सीधे मार्च 19 में और 4500 करोड़ इन्होंने मार्च 2022 में क्रॉस किया और उसी का हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इनके प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी आप देख सकते हैं 300, 326, 344, 400, 478 करते करते 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट पूरा ओवरऑल ये दिखाई देता है और उसी तरह से ओवरऑल जो ये ईपीएस है ईयरली ईपीएस जो है वो 47.35 रुपए आपको दिखाई देता है जो कि 12 रुपए था 2011 से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है लास्ट 2011 से 2022 तक आते आते जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। कंपाउंडली सेल्स जो ग्रोथ हुआ है कंपनी का 10 साल में 11% के हिसाब से हुआ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट जो ग्रोथ हुआ है कंपनी का लास्ट 10 साल में 12% के हिसाब से हुआ है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और स्टॉक जो प्राइस है वो पिछले 5 साल में 17% CAGR ग्रो हुई है
रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 17% CAGR ग्रो हुई है। तो ये एक जबरदस्त फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी आपको दिखाई दे रही है। अब आप बोरोइंग की बात करेंगे तो बोरोइंग इन्होंने थोड़ी थोड़ी इंक्रीज की है, 1,306 से करते करते 576 है, दैट इज नॉट एन इश्यू। अगर आपका सेल बढ़ता जा रहा है और आप बोरोइंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप बोरोइंग लेते जा रहे हैं और सेल भी उसी हिसाब से नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि आप मार्च 22 लेटेस्ट जो आप देखिए, प्रमोटर्स होल्डिंग 23.41%, FII 34 बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, और DII 23% और पब्लिक 19%। एक तरीके का ये बैलेंस्ड अप्रोच है इस कंपनी का, और बैलेंस्ड अप्रोच के कारण जो है कि कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी यहाँ पे मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आप देखें और कंपनी के बिजनेस को अगर आप देखें और इस कंपनी के डिविडेंड डिक्लेरेशन की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं और इस कंपनी के चार्ट की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है ओवरऑल एक अच्छे परफॉर्मेंस को देख करके चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये लगातार ये ग्रो करती गई है, तो फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। आप इस कंपनी को एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है जो कि करेक्शन में 30-40% का करेक्शन भी दिखा सकती है, तो एक अपने पोर्टफोलियो में रखने का एक आप सोर्स है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको साइंट लिमिटेड के कंप्लीट एनालिसिस पर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।